नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीडब्ल्यूडी ने निकाली मानव श्रृंखला रैली, लोगों को यातायात नियमों का सिखाया गया पाठ। कानपुर से सपा नेता इरफान सोलंकी की करीबी हाजी अजन गिरफ्तार, सोलंकी जेल में है बंद, फिर भी बढ़ रही है मुश्किलें। कानपुर के वार्ड 70 में फैली गंदगी से हाल बेहाल, सफाई की नहीं हो कोई बेहतर व्यवस्था। लखनऊ में दिखी एडीसीपी चिरंजीव नाथ की सराहनीय पहल, रास्ता भटकी बुजुर्ग महिला को पहुंचाया घर। अलीगढ़ में प्रदर्शनी में पेश के बच्चों ने मॉडल, एमएलसी ने बच्चों की सराहना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जेल में रहकर भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि पुलिस लगातार इरफान के गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। पुलिस ने फतेहपुर से हाजी अजन को गिरफ्तार किया है। अजन कानपुर में बिल्डर का काम करता था, साथ ही जमीन कब्जाने को लेकर और इरफान सोलंकी से सांठगांठ का आरोप उन पर भी लगाया गया है। हाजी अजन फतेहपुर कोतवाली में 5 मुकदमे भी दर्ज हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि लगातार इरफान से जुड़े मामले में जो लोग वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कल मोहम्मद एजाज उर्फ अजन को 22 बड़े 2022 जाज में उनके मामले में गिरफ्तार किया गया है और विवेचना के दौरान पर्याप्त तथ्य पाए गए थे कि अपराध में इनकी सहभागिता भी है और साथ में अन्य और भी कई तथ्य प्रकाश हो रहे हैं, जिनको विवेचक अपनी विवेचना में शामिल करके आगे तक कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ और नाम हैं जिनके लिए हुक्म तहरीरी जारी कर दी गई है और उनके लिए भी NBW और 82-83 कार्यवाही जो है प्रचलन में है। तो इस मुकदमे से संबंधित जितनी भी कार्यवाहियाँ शेष हैं उसको तेजी से पूरी की जा रही है ताकि अंतिम रूप से इसे शासित कर दिया जाए। हरदोई में सुभाषपा प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को बैन करने वाले बयान की निंदा की है। सुभाषपा प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी लोग भगवान राम को पूजते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बताएं कि क्या बीजेपी सांसद उनकी बेटी उनके इस बयान से सहमत है। अखिलेश यादव के प्रदेश में सभी 80 सीट जीतने के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा किया था लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। 2024 में उनको प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगी। वहीं उन्होंने सरकार पर बनने पर जातिगत जनगणना कराने के अखिलेश यादव के दावे को लेकर कहा कि प्रदेश में 4 बार उनकी सरकार रही लेकिन उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को हक में हिस्सा अधिकार नहीं दिया है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे या इससे पहले की सरकारों में थे या इससे पहले क्या रामचरितमानस को उन्होंने पढ़ने का काम नहीं किया? तब तो उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया, क्योंकि उसी राम भगवान के नाम पर सरकार बनी थी और उसमें तब तो मलाई काटते रहे। मलाई काटने के बाद अब आज उनको भगवान राम के ऊपर जो पुस्तक लिखी है, ग्रंथ है, उस पर वो विवादित बयान देने का काम कर रहे हैं। तो ये उनका हताशा भरा बयान है। इस बयान का सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निंदा करती है और पिछड़े और दलित उस समय नहीं नजर आ रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, उनको हक हिस्सा अधिकार दिलाने की तो उन्होंने कभी बात नहीं करी, मगर आज जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं वो निंदनीय है। लखनऊ के लोक निर्माण विभाग में नेताजी की जयंती के अवसर पर मानव श्रृंखला निकाली गई। आपको बता दें इस रैली में विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा माह को मद्देनजर रखते हुए लोगों को यातायात के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया।
कानपुर के वार्ड नंबर 70 में गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। यहाँ लोग सालों से बेहतर साफ सफाई का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ सरकार द्वारा क्लीन ग्रीन यूपी का नारा दिया जाता है, वहीं प्रदेश के इतने बड़े जिलों में अभी भी साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। जबकि ये वार्ड विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के विधानसभा के अंतर्गत आता है, बावजूद इसके कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही के चलते सरकार की किरकिरी होती दिखाई दे रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकार 2.0 बनने के बाद अगर देखा है तो कानपुर नगर निगम जो है क्लीन कानपुर ग्रीन कानपुर के तहत अगर जो अभियान बनाया गया था, कानपुर को स्मार्ट सिटी दर्जा दिया गया था, वही देखा जाए वार्ड 70 में हम लोग खड़े हुए हैं, देखा जाए अपने मतलब महसूस करना चाहूँगा, दिखाया किस तरीके से जो पार्क है उस पार्क में जो है ऐसी कोई सुविधा देखा जाए तो बिल्कुल भी लोगों को नहीं मिले। क्षेत्रीय लोगों को सीवर का भराव पड़ा हुआ है और जंगल जो आवारा जानवर वो घूम रहे हैं, और देखा जाए तो जो यहाँ के लोगों को साफ करना है कि 10 साल से लगभग देखा जाए तो इस पार्क जो है कभी किसी पार्क कोई सफाई नहीं हुई है, और जो क्षेत्रीय पार्षद और या क्षेत्रीय विधायक देखा जाए तो एक कानपुर की एक बड़ी राजनीति का मिसाल है कि जो जो सांसद हैं वो भी कानपुर से भाजपा के हैं, और जो विधायक है वो भी क्षेत्रीय विधायक वो भी देखा जाए तो भाजपा के, और मेयर ही भाजपा का है। अगर देखा जाए तो भाजपा की जो रणनीति जो है देखा जाए तो कानपुर में कहीं ना कहीं दावे जो है पूरे फेल नजर आते सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो वार्ड 70 जो है उस 70 वार्ड में देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, नालियाँ बनी नहीं है, रोड छाए में सीवर लाइन कोई समस्या हर तरीके से, और देखा जाए प्राइम टीवी का नगर संग्राम जो है उसके एपिसोड तहत दिखाया जा रहा है कि हमारे साथ क्षेत्र के लोग जुड़े हैं वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार। निर्मल जी, जो जिस वार्ड आप रह रहे हैं, इस वार्ड इस पार्क के आसपास और इस वार्ड की स्थिति क्या है, उस वार्ड के चौतरफा कितने लोग रहते हैं? लगभग 500 की आबादी है, और इस क्षेत्र में जहाँ पर रह रहे हैं पार्क में गंदगी व्याप्त है, जानवर घूमते रहते हैं, सुअर सांड गाय सब घूमती रहते हैं, मारते भी रहते हैं लोगों को, गंदगी तो आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ और भी क्षेत्र के लोग हैं, बताएंगे कि किस तरीके से लोगों ने, क्या नाम है आपका? सुनीता जी, किस तरीके से देखा जाए तो ये पार्क इतनी गंदी है, और देखा जाए तो कानपुर स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो सरकार भ्रष्ट है या अधिकारी भ्रष्ट है? सरकार अधिकारी दोनों भ्रष्ट है, क्योंकि कोई भी सुनवाई नहीं होती। हम लोगों ने बहुत अप्लीकेशन दी लेकिन कोई जानकारी सौर ऊर्जा पार्क की नहीं है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी ये बड़ा सवाल है कि जो जो विधानसभा अध्यक्ष जो हैं महाराजपुर के जो हैं उनका सतीश माना, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? आपका राकेश गुप्ता। राकेश जी, ये बताइए कि जो इस पार्क में इस वार्ड में सीवर का भराव रहता प्रमाण, डेंगू इतनी बड़ी महामारी है, किस प्रकार की फॉगिंग कभी हुई आनी हुई भैया? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है यहाँ के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं कोई सुनवाई नहीं करते। मेरी कंप्लेन आज कम से कम 1.5 साल से चल रही है, जब भी कॉल करता हूँ हाँ हो जाता है, वहाँ से अधिकारी काम करते हैं और खाना पूरी करके भेज देते हैं लिख करके कि साहब काम हो। 76 पे मैंने कॉल करता हूँ, वहाँ से सूचना मिलती है कि आपका कार हो गया, वो फोन करते हैं कि साहब आपका कार हो गया, मैं कहता हूँ एक बार निरीक्षण करा लीजिए, लेकिन निरीक्षण नहीं कराते वो। 1076 की उम्मीद जो है आदमी लोग भी जगी हुई है, उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं 1076 का सेटिस्फाई संतुष्ट जवाब जो है वो नहीं मिल रहा है, और पूरी तरीके देखा है तो आवारा जानवर सुअर और उसका देखा है डेंगू की महामारी इस वार्ड में बहुत रही है, और करीब देखा है तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो और भी जो जा चुके अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, पर किसी पर कोई मेडिकल सुविधा नहीं हो रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? ये अनूप नाम है मेरा। अनूप जी, इस वार्ड में आप रहते हैं, इस वार्ड में देखा है तो पेयजल की क्या व्यवस्था है, और देखा है तो मेडिकल सुविधा क्या यहाँ पे है? मेडिकल सुविधा कोई भी नहीं है, मगर पेयजल वगैरह का भी कोई, अभी एक नल है सिर्फ पार्क के चारों तरफ में एक ही नल है, और ये कुछ व्यक्तिगत लोगों ने लगवाया था तो तब से लगा हुआ है, पानी वगैरह चल रहा है, बाकी तो सब ऐसा ही है चल रहा है, सफाई के तरफ किसी का कोई विशेष ध्यान नहीं है। तो अब इतनी बड़ी महामारी आई थी डेंगू की, सरकार ने जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी, कभी क्या यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई? कभी कोई नहीं आया, बल्कि इवन दैट हमारी डॉटर को खुद डेंगू हो गया था 2 साल पहले, तो हमने खुद ही भर्ती कराया, सरकारी अधिकारी का तो हाल यही रहता है। लिखी सूचना देने के बावजूद भी देखा जाए कहीं ना कहीं जो वार्ड 70 है इसमें जो उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि देखिए किस तरीके से आवारा जानवर देखिए जो हैं वो जो नगर निगम इतना बड़ा स्रोत गौशाला, सरकार गौशाला का दावा ठोकती है, और देखा जाए कहीं ना कहीं ये देखिए बगल में जस्ट पार्क के बगल में एक सौर ऊर्जा पैनल बना हुआ था, एक यहाँ बनाया गया था पार्क के शुद्धिकरण के लिए, पर देखा जाए कहीं ना कहीं ये पैनल जो बना हुआ है वो पूरा पैनल जो है उसकी जो बैटरी है वो भी यहाँ से यहाँ गायब हो चुकी है। किसी प्रकार कुछ लिखी सूचना देने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो कहीं जो है बिल्कुल धरातल पर अगर देखा जाए तो नगर निगम आज इस वार्ड पर वार्ड 70 पर देखा है तो कानपुर में 10 में से 0 नंबर के लायक है। कैमरा पर्सन हिमांशु सर, उपेंद्र साना, कानपुर।
बस्ती में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली तस्वीर के सामने आई। अब हमारे संवाददाता ने जब यहाँ के विद्यालयों की जमीनी हकीकत जानी तो आंखें खुली रह गईं। दरअसल यहाँ के कंपोजिट विद्यालय में यहाँ छात्रों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बच्चे दूर से स्कूल जाकर पानी पीते हैं। इस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पानी की गुणवत्ता के लिए टीम पहले से बनाई जा चुकी है और वो गुणवत्ता की जाँच कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आंगनबाड़ी के केंद्र की है। यहाँ शौचालय की स्थिति बद से बदतर देखी गई। पूछने पर जवाब मिला कि यहाँ सफाई कर्मचारी से साफ करने से मना कर देते हैं। हमारे यहाँ विद्यालयों में जल की गुणवत्ता जो है चेक करने के लिए एक्सियन जल निगम की टीम द्वारा लगातार उसका सैंपल लिया जा रहा है। इसके लिए एक्सियन जल निगम ग्रामीण द्वारा 2 जनवरी से लेकर के 19 अप्रैल तक रोस्टर जारी कर दिया गया ब्लॉक वाइज। वो प्रत्येक ब्लॉक में उनकी बहन जाएगी, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगी प्रत्येक विद्यालय से, और सैंपल कलेक्ट करके उसकी जो है रिपोर्ट देगी। तो अभी प्रथम चरण बस्ती सदर का काम शुरू है 2 जनवरी से, चूँकि बीच में विद्यालय ठंडी की वजह से बंद रहे हैं, इसलिए अब जो है 16 से पुनः कार्य शुरू हो गया है। ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। सर, कई बार तो बताया गया कि पानी के बहुत ही दिक्कत हो रही है, और यहाँ तक कि बच्चे जो हमारे हैं गेट के बाहर से पानी लाते हैं। कई बार सूचना दी गई, लिखित भी दी गई, मौखिक भी बताई गई, लेकिन इस पर बहुत अच्छा सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम खुद ही बहुत चिंतित हैं कि पानी की समस्या जल्दी दूर हो। बच्चे कितने दूर से पानी लाते हैं? यहीं गेट के बाहर एक मंदिर है छोटा सा, तो वहीं बगल में एक नल है इंडिया मार्का का। सड़क क्रॉस करना पड़ता है बच्चों? हाँ, अपने विद्यालय के बाद नहीं, सड़क तो कहीं क्रॉस करते हैं, बगल ही में है। पानी अगर इकट्ठा कर रख दीजिए अगर लेकर किसी बर्तन में, तो बिल्कुल मिट्टी जैसे कलर उसका हो जाता है। हमारे यहाँ विद्यालय अलीगढ़ की तहसील अगलास में SDM भावना विमल के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों के साथ मानव श्रृंखला रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा हाथों में पट्टी लेकर सड़क सुरक्षा के नियम लोगों को बताए गए, जिससे लोगों ने सड़क द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन किया जा सके और सड़क पर चलने के दौरान वाहन सेफ्टी करते हुए अपनी जान को बचाया जा सके। SDM भावना विमल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत तहसील परिसर से हुई है, जिसमें कॉलेज के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। आज आपके द्वारा हमको यहाँ पे स्कूल में इसमें बुलाया गया है, और यहाँ पे सड़क सुरक्षा में बताया गया है, और इससे जो लोगों की जान बचे और खतरों से बचे हैं, जागरूकता के लिए ये सब किया गया है। सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान एवं सड़क सुरक्षा समारोह का जो है आयोजन किया गया, इसमें सभी बच्चों को एवं आम जनमानस को जो है इसमें जोड़ा गया, एवं सभी को जो है सड़क सुरक्षा हेतु शपथ भी दिलाई गई है, और साथ में मानव श्रृंखला का भी इसमें आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें, अपनी जान को भी बचाएं एवं सभी लोगों की जान को भी सुरक्षित रखें। नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती के अवसर पर अमरोहा में 30 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें करीब 56,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस रैली के DM VK त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था इस रैली को। शपथ लेना था तो बहुत ही आपने देखा उत्साह से जनपद में लोगों ने भाग लिया है, और कुल जनपद में 55,000 लोगों ने भाग लिया, और 30 किलोमीटर ये लंबाई में ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। नगर अमरोहा में जो जोया से और यहाँ बम्बूगढ़ तक का 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बाकी हमारे जनपद में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में जगह जगह पे लोगों ने इसकी मानव श्रृंखला बनाई, और जिसका उद्देश्य है कि कैसे हम सड़क दुर्घटनाएँ रोकें, उसमें निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा रोल है। शपथ लिया गया है इस अलीगढ़ के एक स्कूल में बच्चों द्वारा विज्ञान और प्रगति की तकनीक को मॉडलों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बच्चों के साथ साथ मॉडलों को तैयार करने में अध्यापिकाओं का सहयोग रहा। बच्चों के मॉडलों का अनावरण करने पहुंचे MLC मानविंद्र सिंह ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों के बारे में जानकारी ली, और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सभी अध्यापिकाओं का आभार भी व्यक्त किया। MLC मानविंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों के माता पिता के बाद अध्यापक ही उनके भविष्य के गुरु होते हैं। मॉडल बनाया जिसमें हमने आर्क, रेडियस एंड डायमीटर जैसी चीजों को रिप्रेजेंट किया।
गांव के द्वारा जिस प्रकार से मॉडल्स बनाए गए, साइंस में हो, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हो, पॉल्यूशन के क्षेत्र में हो और सोलर सिस्टम के क्षेत्र में हो, जो सारे मॉडल्स बनाए गए वो शानदार हैं। कल्पना नहीं की जाती आज के समय में कि ऐसे बच्चे हैं, शानदार बच्चे हैं, जिन्होंने इतने बढ़िया कंसेप्ट के साथ, इतनी बड़ी सोच के साथ समाज में आवश्यकता किन चीज़ों की है उनको प्रदर्शित करने का कोशिश की है। मैं बधाई देता हूँ मॉरिशस स्कूल के प्रबंधक मुकेश कुमार जी को और उनकी पूरी जो टीम है, पूरा परिवार है। अलीगढ़ के थाना रोरावर में सरकारी स्कूल के पीछे स्थित सरकारी जमीन पर भू माफिया कब्जा करना चाह रहे हैं। जैसे ये खबर फैली आनन फानन में नगर निगम का दस्ता मौके पर पहुंचा। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि ये जमीन सरकारी है, यहाँ कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर अपना कब्जा बता रहा है तो पहले नगर निगम से NOC ले। वहीं पार्षद पति मुराद बच्चन ने कहा कि यहाँ पर कुछ भू माफियाओं कब्जा करना चाहते हैं, ये काम मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जब सरकारी जमीन रही रहेगी तो जनता सरकारी लाभ कैसे मिलेगा। ऐसा है जी, पार्षद पति का कल अधिकारियों के पास फोन गए थे। अधिकारियों ने हमको यहाँ पर भेजा है कि वहाँ पे जाके तहकीकात की जाए, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पानी निकला हुआ तो है, लेकिन वो जो भूमाफिया थे जो इस पे कब्जा करना चाह रहे थे वो सामने नहीं आए मेरे। तो मैं उन भूमाफियाओं से या ये कहूँ कि उनका अधिकार भी है, अगर उन्होंने अपना रजिस्ट्री भी कराई है तो पहले निगम से NOC लें, उसके बाद ही यहाँ पे कोई काम करें, अन्यथा की स्थिति में रिजल्ट गलत आएंगे। स्कूल की जगह कुछ कम होने के कारण 263 में भी हमने स्कूल बनवाया, मतलब जगह दी है, तो 263 को कुछ लोग पड़ोसी किसान से अवैध तरीके से, गलत तरीके से लिखवा कर अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं नगर निगम की टीम बुलाई है मैंने आज, इनको रुकवाने के लिए बताया कि 3 से इसमें पानी निकाल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे सड़क बनेगी या लॉज बनेगा, तो लोगों को गुमराह ना करें। अब मैं इलाहाबाद से वापस आ गया हूँ। जितने भी भूमाफिया जिस तरह से 5 गायब रहे, उसी तरह से मैं उनसे कहना चाहता हूँ 5 गायब रहिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन हमारी अपनी ज़मीन होती है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि पार्षद पति हूँ, तो इसी तरह से मेरा हक है कि इस जगह को बचाया जाए। अभी कुछ लोग समझ रहे हैं कि पार्षद ही चली गई है, जब तक दूसरा पार्षद नहीं आता है जब तक मैं पूरी जिम्मेदारी से इस वर्क को निभाऊंगा। जिस तरह से आपने ईमानदारी से वोट दिया, आपकी ईमानदारी से जितनी भी महबूब नगर में सरकारी जमीन थी उसको बचाने का काम किया है मैंने। बांदा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 5 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई। ये मानव श्रृंखला महाराणा प्रताप चौराहे से होते हुए कालू कुआं से लेकर बाजार तक के लिए निकाली गई। इसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का था। इस दौरान बांदा DM दीपा रंजन ने सभी लोगों को नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात सुरक्षा माह हमारा चल रहा है, उसके लिए एक मानव श्रृंखला बना करके जनमानस को संदेश देने का प्रयास किया है कि हम स्वयं सुरक्षित यात्रा करें तथा सड़क पर चलने वाले यात्रियों को सुरक्षित रखें। इस कड़ी में आज कक्षा 8 से ऊपर के बच्चों की एक मानव श्रृंखला बनाई गई है। इस जनपद से लगभग 21,000 बच्चे। लखनऊ के ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ की सराहनीय पहल देखने को मिली है। दरअसल ADCP सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरे थे, इसी क्रम में उन्हें अवध चौराहे पर एक बुजुर्ग महिला परेशान अवस्था में नजर आई। तब उन्होंने उनसे पूछा कि उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि वो उन्नाव की रहने वाली है और लखनऊ में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई थी। किसी काम से वो घर से बाहर निकली, जिसके बाद वो अपना रास्ता भटक गई, जिसके बाद ADCP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बुजुर्ग को वो बुजुर्ग को उन्नाव अपने घर सकुशल पहुंचाया। प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में पुलिस ने स्कूली बच्चों के साथ साथ अधिवक्ताओं और व्यापारियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा हेतु रैली निकाली। इस दौरान लालगंज थाने के प्रभारी ने व्यापारी अधिवक्ताओं और बच्चों को सड़क सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटना देखने को मिल रही है, आप सभी नशे इत्यादि कर किसी भी तरीके से शराब न चलाएं। इसके अवसर पर शासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाएं
इसमें सभी की सहभागिता करें। और आज लालगंज में सभी विद्यालय, हमारे मीडिया बंधु, हमारे जितने अधिवक्तागण हैं, सभी लोग इस रैली में सम्मिलित हुए और रैली को सफल बनाया। और मैं सभी से यही उम्मीद करता हूं, पुनः आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि यातायात नियमों का पालन करें और अपना व अपने परिवार का जीवन तथा दूसरों का जीवन सुरक्षित करें। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर चल रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कई स्कूलों से आए लगभग 1000 से अधिक छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा अभियान की शपथ दिलाई गई। बच्चों को ये शपथ डीएम माला श्रीवास्तव ने दिलाई। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि अगर लोग थोड़ा भी जागरूक हो गए तो सड़क हो रही दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। आसपास इकट्ठे हुए हैं और एक मानव श्रृंखला पूरे प्रदेश में ये अपेक्षा की गई थी कि एक समय पर सभी लोग मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक मैसेज देंगे। तो वही कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें बच्चे सब यहाँ पर आकर सबने शपथ लिया है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जगह जगह पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, गांव स्तर पे भी, जिले स्तर पे भी, अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि सड़क सुरक्षा के प्रति सबको जागरूक किया जाए और जो अनावश्यक जान माल की हानि इसके वजह से होती है दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं की वजह से, उससे बचा जा सके और इस हानि को न्यूनतम किया जा सके। डीएम रवीश गुप्ता और सुमीन वर्मा द्वारा केंद्रीय विद्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा माह अभियान को लेकर कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों को बताते हुए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया। एसपी द्वारा सभी को सड़क सुरक्षा माह के तहत शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चों ने गीत और सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से आम जनता को जागरूक भी किया। डीएम और एसपी द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के प्रोत्साहन के लिए उपहार भी प्रदान किए गए। नमस्कार, मैं नन्या श्रीवास्तव। यहाँ पे आज इस तरह का प्रोग्राम हुआ था कि यहाँ पे सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के बारे में बताया गया कि आप गाड़ी चलाते वक्त आप हेलमेट पहने, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जैसे कि अगर आप कभी कार चलाते हैं तो आप उसमें सीट बेल्ट ज़रूर लगा के चलाएँ और कभी भी तेज़ रफ्तार में गाड़ी ना चलाएँ। आज मेरा पहली बार प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद मैंने रूट्स टू रूट्स विरसा नॉर्थ जोनल में फर्स्ट प्राइज लाई थी, उसमें मेरे को टैबलेट और सर्टिफिकेट मिला है। सर्वप्रथम तो मैं जनपद वासियों को बहुत नौबत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में 5 जनवरी से शुरू हुआ है, 4 फरवरी तक चलेगा। और इस बीच में पर डे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, कभी स्कूलों में जागरूक करना, कभी व्यावसायिक चालकों को जागरूक करना। इसी क्रम में आज शासन द्वारा विशेष निर्देश दिया गया था कि एक मानव श्रृंखला बनाई जाए और जो कि बच्चों के बीच में हो और इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए और इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो ये जिला। उसी क्रम में आज हमारे 2,500 बच्चे इकट्ठा हुए हैं और ये मैसेज यातायात नियमों को देने का प्रयास किए हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन वो स्वयं करें, अपने परिवार से कराएं। इसी क्रम में आयोजन हुआ है और इसके साथ ही मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसका संदेश यह था कि सड़क सुरक्षा के हम सारे उपाय अपने जीवन में अपनाएं। उसी क्रम में मानव श्रृंखला आपने देखा होगा कि अपने देश के मानचित्र के रूप में बनाई थी यहाँ केंद्रीय विद्यालय शेम्फर्ड स्कूल और अन्य विद्यालयों के बच्चों द्वारा और उनके स्टाफ द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा सहयोग किया गया और यहाँ पर उसी में एक सड़क सुरक्षा शपथ जो है वो दिलवाई गई, क्योंकि बच्चों की बात पेरेंट्स सुनते हैं और बच्चे ही आगे चल के अब ये अगले जनरेशन के एडल्ट्स बनेंगे, इसलिए इनके माध्यम से ये संदेश सबको पहुंचाना है कि सड़क पर सुरक्षा के सभी इंतजाम हम अपने।
श्रावस्ती में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 5 किलोमीटर की मानव श्रृंखला निकाली गई, जिसमें करीब जिले के 5 लोग प्रतिभाग हुए। बता दें 5 किलोमीटर की मानव श्रृंखला में हजारों की संख्या से मासूम छात्र भी दिखे, जो मानव श्रृंखला के दौरान अहम भूमिका में थे। इस दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने मानव श्रृंखला में प्रतिभाग करने वाले लोगों को सड़क सुरक्षा के तहत शपथ दिलाई और जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की बाइक चलाने के दौरान हेलमेट जरूर लगाएं, बिना सीट बेल्ट के कार न चलाएं। कि हमारे आसपास जो छोटे बच्चे हमारे विद्यालयों के हैं, आसपास जो हमारे जनता है, सभी लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए, सड़क सुरक्षा के नियमों को समझाने के लिए श्रृंखला बनाई गई है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के शुभ अवसर पर सभी जनमानस को जागृत करने के लिए ये एक श्रृंखला बनाई गई है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से करीब 3832 छात्रों की संख्या को नामित किया गया था। उनके साथ ही सभी विद्यालयों से लगभग 2-2, 3-3 टीचर्स को भी बुलाया गया है। इस अवसर पर हम सभी लोग अपने आसपास के सभी लोगों को जागृत करने के लिए ये श्रृंखला बना रहे हैं। ये सारे विभागों का इसमें कोऑर्डिनेशन रहा है और जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर और ग्राम पंचायत के लेवल पर भी मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। यहाँ जिले लेवल पर 5 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जन सामान्य में रोड सेफ्टी के नियमों की जागरूकता हो और सभी लोग इसका पालन करें। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला अपनी बहू और मासूम बच्चों के साथ धरने पर बैठी। दरअसल महिला अपने ससुर से होटल के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले उसके महिला के ससुर ने उसको होटल से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से महिला अपने हक की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर PSC के साथ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।